नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में कोरोना मरीजों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद प्रशासन के द्वारा पुष्प वर्षा करते हुए उन्हें उनके घर के लिए रवाना किया गया। वही जिले में कोरोना काल के दौरान चिन्हित लोगों की सैंपलिंग की गई एवं उन्हें 14 दिनों तक कोविड सेंटर में रखा गया था, जहाँ कुछ लोगों की जाँच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके चलते बिरसिंहपुर पाली ब्लॉक से 2 कोरोना पीड़ित मरीजों को स्वस्थ होने पर उनके घर के लिए रवाना किया गया एवं उमरिया जिला मुख्यालय से भी स्वास्थ्य लोगों के उनके घर रवाना किया था। वही विगत दिनों चपाहा जवाहर कॉलोनी में पॉजिटिव मरीज पाया गया था, जिसका उपचार डॉक्टर वरुण विश्वास के द्वारा किया गया था, जिसके कारण प्रशासन ने डॉक्टर वरुण विश्वास एवं उसके परिवार को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन कर दिया गया था, जिनकी जाँच रिपोर्ट आज नेगेटिव आ गई है। वही कोविड नोडल अधिकारी अनिल सिंह ने बताया कि कोरोना के दौरान कुछ लोगों की सैंपलिंग ली गई थी, जिनकी जांच रिपोर्ट आज नेगेटिव आई है और उन्हें उनके घर के लिए रवाना किया गया है एवं चपाहा मामले में भी डॉक्टर वरुण विश्वास एवं उनके परिवार को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन किया गया, जिनकी जाँच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वही जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से सभी लोग मास्क लगाकर ही घर से निकले एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करें, तभी कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सकता है। केस उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मानव अधिकार संस्था से मैं सरस्वती सोनी आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ एवं शुभकामनाएं देती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे पता चला है कि उमरिया जिले में कोरोना जांच सैंपल के दौरान कुछ लोगों की जो रिपोर्ट आई है वो निगेटिव आई है, जिससे उमरिया जिले वासियों में हर्ष का माहौल बना हुआ है। उमरिया जिले में स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे सर विश्वास सर जी थे, उनके परिवार को प्रशासन के द्वारा होम क्वारंटाइन किया गया था, जहां पर उनकी सभी जांचें वो सभी निगेटिव प्राप्त हुई है। वही कोरोना काल के दौरान सभी लोगों को मास्क लगा करके एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, बार बार हाथों को साबुन से धोते रहना चाहिए, जिससे कोरोना महामारी से बचा जा सके। धन्यवाद। उमरिया जिले में अंतर्गत चपाहा कॉलोनी है, उस मामले में जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, तो व्यक्ति को जो है डॉक्टर विश्वास को क्वारंटाइन किया गया था। ऐसे ही कई क्षेत्रों में से कई लोगों को होम क्वारंटाइन भी किया गया है। इसमें अधिकतम मामलों में जो है रिपोर्ट निगेटिव आई है। इस आने वाली रिपोर्टों में डॉक्टर वरुण विश्वास की भी और उनके परिवारजनों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इस बात के लिए परमात्मा को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और आने वाले समय में प्रार्थना करती हूँ कि हमारा उमरिया जिला पूर्णतः कोरोना मुक्त हो, फिर से हम जो है ग्रीन जोन में आ जाएं। और हे परमात्मा, सारे विश्व को कोरोना मुक्त करो, यही कहते हुए मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। अभी जो कुछ रिपोर्ट सामने आई उसमें डॉक्टर वरुण विश्वास और उनकी फैमिली जो कि जिला चिकित्सालय में पदस्थ हैं, उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई। इसमें मुझे बेहद खुशी हो रही है और प्रशासन चुस्त है अपने चाक चौबंद व्यवस्था में कोरोना को मात देने में जहाँ अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, तभी खुशी भी है। वासियों से अपील करना चाहता हूं कि जो ये संक्रमण काल चल रहा है कोरोना काल का, उसमें कुछ हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बन रही है और शासन अपने स्तर में तो चाक चौबंद है भी, लेकिन हमको भी अपने विषय में ख्याल रखना होगा। और मैं समाज के लोगों से फिर भी अपील करता हूं कि हम लोग उन तमाम सारे नियमों का जो अपने बचाव के लिए आवश्यक है, मास्क का लगाया जाना, सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इन तमाम सारी चीज़ों का ख्याल रखें और किसी भी जगह जाएं तो इस बात का पूरी तरह से इल्म हो, ज्ञान हो कि वहां पर कोई ऐसा इन्फेक्टेड आदमी हो तो आने के बाद में हम अपने आप को सुरक्षित करें और इस संक्रमण को आगे फैलाने से। जिले में जितने भी हमारे वनाधिकारी हैं सबके पास जो ना सैनिटाइजर और मास्क है, कौन इस्तेमाल करता है कौन इस्तेमाल नहीं करता है इसको हम जवाब पर ध्यान रखते हैं। सवाल इस बात का आता है कि मास्क और सैनिटाइजर वितरण का उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना उसके बड़े इस्तेमाल। एक व्यक्ति वहाँ गया था अपने परिवार सहित कटनी में दिखाने, इसको जिला चिकित्सालय हमारी किसी सरकारी संस्था में द्वारा नहीं भेजा गया तो वो डायरेक्ट अपने साधन से गए थे। तो हमको 27 तारीख को जानकारी लगी कि वो वहाँ पर उसकी मृत्यु हुई है
और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो हमने उनके संपर्क जो भी लोग थे, उनके तीन परिवार के सदस्य पॉजिटिव, उनको तुरंत हमने अपने ट्रिपल सी में रखा और साथ साथ हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तत्काल शुरू किया, जिसमें मैं आपको बताऊँ 35 के लगभग हमारे जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आए थे और उन सभी की हमने सैंपलिंग कराई। वो सभी सैंपल जो है नेगेटिव आए थे, परंतु उसमें से एक जो उसके परिवार की कजिन सिस्टर थी पठारी कलम ग्राम की, वो कुछ दिन पहले पॉजिटिव आई है। साथ में आपको ये भी जानकारी दूंगा कि वह व्यक्ति जो है अपना प्राइवेट इलाज करा रहा था, जिसमें दो क्लिनिक जो है विभाग ने साथ जिला प्रशासन के सहयोग से बंद भी की थी और अनफॉर्चुनेटली उसमें एक हमारे विभाग के डॉक्टर भी शामिल थे, तो उनको भी होम क्वारंटाइन किया गया। उनके सभी परिवारजनों को भी हमने क्वारंटाइन किया और उनकी भी सैंपलिंग की, उन सभी का रिजल्ट भी नेगेटिव आया। आपको बता दूँ उमरिया जिले का आंकड़ा टोटल जो है 46 हमारे ज़िले में पॉजिटिव केस आए थे, दो केस जो है वो डेथ हुई है और अभी तत्काल का जो हमारे पास रिजल्ट है वो 41 डिस्चार्ज हो गए हैं और तीन जो है वो जिला चिकित्सालय में अभी उपचार रखते हैं, जो भी स्वस्थ हैं और कुछ दिनों में वो भी डिस्चार्ज हो जाएंगे, ऐसी हम